हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवेश कुमार। आप देख रहे हैं राइट्स एम्प्लॉइज। तो दोस्तों, आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने व्हाट्सएप वेब को स्क्रीन लॉक करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने व्हाट्सएप वेब को लॉक कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अपने लैपटॉप में या पीसी में व्हाट्सएप को लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होकर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मेनू का ऑप्शन मिलेगा, थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग वाले सेक्शन में जाना होगा। सेटिंग वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड वाले प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। स्क्रीन लॉक के सामने आपको एक बॉक्स में इस पर आपको चेक कर देना है। उसके बाद जैसे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अपना पासवर्ड सेट करना होगा, तो आपको यहाँ पे 6 डिजिट का एक पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से वही पासवर्ड से फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप अपने व्हाट्सएप वेब को आपके लैपटॉप में 1 मिनट के बाद अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आप 15 मिनट, यानी कि आपके लैपटॉप बंद होने के 15 मिनट बाद आपका वेब पेज लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1 घंटे का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप 1 घंटे के, यहाँ पे अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1 मिनट में आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद जो भी आपका ये व्हाट्सएप वेब है, यहाँ पे 1 मिनट के बाद आपका पेज लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इमीडिएटली, यानी कि आप तुरंत लॉक करना चाहते हैं, और यदि आप अपने जो भी आपके व्हाट्सएप ब्राउजर में जो भी अपने आगे फाइल ओपन किए हैं, अगर आप उसको ओपन रखना चाहते हैं, और उसके बाद यदि आप अपने व्हाट्सएप को लॉक करके रखना चाहते हैं और आप बाकी फाइल ओपन रहें, तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट आइकन पे आपको दोबारा से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपका ये व्हाट्सएप पेज है, यहाँ पे आपका लॉक हो जाएगा। ये जब तक आप अपना जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया है वही पासवर्ड यहाँ पे डाल करके आप लॉक कर पाएंगे, बाकी जो भी अदर फाइल्स होंगी वो ओपन रहेंगी। तो यहाँ पे अपने व्हाट्सएप को ओपन कर अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको दोबारा से वही पासवर्ड फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अनलॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो अभी आपका व्हाट्सएप होगा वो दोबारा से लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा लॉगिन हो चुका है। हो जाने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, इस पासवर्ड स्क्रीन लॉक करके, तो यहाँ पे आपको सेटिंग वाले सेक्शन में दोबारा जैसे जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन लॉक के ऑप्शन पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वही पासवर्ड आपको यहाँ पे दोबारा से डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो जो भी आपका स्क्रीन लॉक का सेटिंग है वो अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो हट चुका है, और उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप है वो स्क्रीन लॉक नहीं होगा। अगर आपको दोबारा से लॉगिन करना है तो वही सेम प्रोसेस आपको अपनाना होगा। उसके बाद आपका ये लैपटॉप में जो आपका वेब पेज है, ये लॉगिन जो है वो लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप वेब पेज को लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।